जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है। विश्वकर्मा पूजा किस तरह से करनी चाहिए, विश्वकर्मा भगवान की आरती कैसे करनी चाहिए, मंत्र इत्यादि की वीडियो मैंने आपसे शेयर कर ली है पहले ही, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विश्वकर्मा पूजा के महत्व के बारे में और विश्वकर्मा के जन्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, हर साल विश्वकर्मा पूजा जो कन्या संक्रांति को मनाई जाती है, इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था और इसीलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। और जो हर साल 17 सितंबर को जो है विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। एक्चुअली भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहले इंजीनियर वास्तुकार माना गया है, इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों में हर जगह मशीनों की पूजा की जाती है और ये पूजा सभी कलाकार, बुनकर, शिल्पकार, औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है। लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दीपावली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है, लेकिन जिस भी दिन मनाया जाता है भगवान की पूजा करने का तरीका, मंत्र इत्यादि सेम ही रहते हैं। और बेसिकली इस पूजा का जो पर्पस ये होता है, जो कला से जुड़े लोग हैं उनके जो भी औजार है उनकी पूजा की जाती है, ताकि भगवान विश्वकर्मा की जो कृपा और आशीर्वाद उन वस्तुओं पर, उन जो भी मशीनरीज है उन पे हमेशा बना रहे। और इस दिन का जो हर जगह मैक्सिमम जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे छुट्टी रहती है, क्योंकि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और अवकाश रखा जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। बेसिकली दोस्तों, ये जो पूजा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली, इन सब राज्यों में जो बहुत बड़े रूप में की जाती, और जगह इतने ज़्यादा बड़े रूप में नहीं होती है। इसके पीछे दोस्तों मान्यता ये आती है कि कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थी प्रायः सभी विश्वकर्मा की ही बनाई हुई बताई जाती है। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्ग लोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका, कलयुग का हस्तिनापुर आदि जितने भी प्रसिद्ध जो भी इमारतें हैं, भवन हैं, उन सब का निर्माण जो है विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया। इवन सुदामापुरी की तत्संरचना के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा ही थे। इससे ये आशय लगाया जाता है कि धन धान्य सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा जो है वो करनी चाहिए और ये बहुत ही मंगलदायी होती है। दोस्तों, जिनके गौरव का इतना गुणगान किया जाता है, एक्चुअली उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक कथा आती है। उस कथा की माने तो सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष सैया पर प्रकट हुए और उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टि गोचर हो रही थी और ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। और कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नाम की स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक माने गए हैं। और उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नाम की पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं, दो बाहु वाले, यानी दो भुजाओं वाले, कहीं चार भुजाओं, कहीं पे 10 भुजाओं वाले भी विश्वकर्मा की तस्वीर सामने आती है तथा एक मुख, चार मुख और पंच मुखी भी विश्वकर्मा जी की तस्वीर जो है वो देखी जाती है। उनके मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ नाम के 5 पुत्र हैं और यह भी मान्यता है कि ये पाँचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे। उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, मय को लकड़ी से, त्वष्टा को कांसे और तांबे से और शिल्पी ईंट और देवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। और विश्वकर्मा पर प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली एक कथा है। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार और अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा,
कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा महात्म्य को सुनो। और इसके बाद रथकार और उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए दोस्तों उत्तर भारत में इस पूजा का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों ये थी भगवान विश्वकर्मा के जन्म से जुड़ी हुई कथाएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं तो कमेंट में जय विश्वकर्मा जरूर से लिखें। और साथ दोस्तों अगर आपको पूजा विधि मंत्र इत्यादि की डिटेल चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, साथ ही पिन कॉमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेरों शुभकामनाएं।